नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप श्रीनगर घूमे और कैसे पहुँचे, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की और चलते हैं गुलमर्ग। तो गुलमर्ग पहुँचने के लिए चाहें तो आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, जो आपसे 1800 से 2000 रुपये चार्ज करते हैं। बाकी आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं और बाकी शेयरिंग टैक्सी भी जा सकते हैं, जिसका चार्ज 500 रुपये रहता है। और शेयरिंग से श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी करीबन 50 किलोमीटर है। बस से किराया करीबन 100 रुपये तक पड़ता है, जिसमें बस आपको टुंगमर्ग तक छोड़ेगी। वहां से आप 13 से 14 किलोमीटर आपको अदर ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। बाकी आप चाहें तो टैक्सी वाले 3500 से 4800 रुपये लेते हैं और पूरा गुलमर्ग घुमा कर लाएंगे, जो कि आपको टुंगमर्ग में मिल जाएगा। आप चाहें तो हायर कर सकते हैं। और अब बात करते हैं, अगर आप गुलमर्ग में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ होटल थोड़े महंगे हैं, जो आपको हर सीज़न में 2000 से स्टार्ट होते हैं। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो यहाँ गंडोला राइड होती है, जो दो फेज में होती है, जिसका किराया फर्स्ट फेज में 800 रुपये तक रहता है और जिसमें यह एक घंटे की राइड रहती है, जिसमें यह एक बार में 1500 पैसेंजर ले जाती है। इसके अलावा दो फेज में जो इसका किराया 950 रहता है, इसमें आप 600 लोग एक बार में ले जाती है, तो राउंड ट्रिप रहता है। इसके अलावा अगर दोनों का टिकट 1690 रुपये रहता है, जिसमें 3 साल से छोटे बच्चे का टिकट नहीं लगता। यह रोप वे एशिया की सबसे ऊंची रोप वे है, जो राइड बहुत ही खूबसूरत रहती हैं। यहाँ आप अलग अलग एक्टिविटी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे स्नो स्कूटर, स्नो मोबाइल इंजॉय कर सकते हैं, जो आप अलग अलग पॉइंट रहते हैं, जिनका चार्ज अलग अलग रहता है। इसके अलावा स्कीइंग कर सकते हैं, जिसका चार्ज 500 रहता है। बाकी गुलमर्ग में एक शिव मंदिर है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। बाकी आप गुलमर्ग में घुड़सवारी भी कर सकते हैं, जिसका किराया बार्गेनिंग के आधार पर आप कर सकते हैं। बाकी वह 2000 रुपये 2400 रुपये करीबन लेते हैं, जो आपको गुलमर्ग के कई सारे अलग अलग पॉइंट दिखा कर लाएंगे, जिनका किराया अलग अलग रहता है। अब बात करते हैं फूड की, तो कश्मीर में आपको नॉन वेजिटेरियन फूड आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, बाकी वेजिटेरियन फूड के ऑप्शन बहुत कम हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए।